सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज मैं रिएक्शन एंड रिव्यू देने वाला हूँ ट्रांसफॉर्मर्स द राइज ऑफ द बीस्ट के ट्रेलर को लेकर। आई होप आपने पिछले जो पार्ट्स हैं ट्रांसफॉर्मर्स के वो देखे होंगे। ये भी एक अलग ही चीज़ है यार ट्रांसफॉर्मर्स। हमने एलियंस वगैरह के साथ फाइट्स देखी, ह्यूमंस की रोबोट्स के साथ फाइट देखी, और ह्यूमन को वैम्पायर में बदलते देखा, ह्यूमंस को भेड़िया में तब्दील होते देखा। लेकिन यहाँ पे जो है कार्स ट्रक्स को हम जो है मशीन्स रोबोट्स में बदलते देखते हैं, तो ये भी अलग ही वाइब देती है। सो इस ट्रेलर अपना बिल्कुल रेडी है, तो चेकआउट करते हैं कैसा है ये ट्रेलर और इसमें वो वाली बात है या नहीं जो मतलब कहने पे मजबूर करते यार क्या बात है ये कुछ चीज़। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1। For centuries, our kind has stayed hidden on Earth. But darkness has found us again. Prime. This is about the fate of all living things. Unicron is coming. ये क्या है? 1994. Back up! Oh, back up. I thought we were boys! You want it? Come and get it! You brought a human here? I'm nobody. I ain't even seen nothing. I'm not even seeing anything right now. Think you hold the lift, but you haven't been the aim. Stop! This is not our war. Optimus, we must trust each other to protect the home we all share. How big can this guy be? He eats planets. So, like, way bigger than a planet. In the end, everything you cared for will be consumed. Maybe there's another way to save our home. You've never faced anything like this. Let them come. ये क्या बवाल चीज़ है हमारे यार बार-बार। मतलब क्या लुक दे दिया जानवर को। और यार एक जो बहुत बड़ा मतलब ये प्लेनेट है, क्या है पूरा का पूरा प्लेनेट ही मुझे लग रहा है मशीन है। अभी तक हमने जो भी चीज़ें देखी ना अभी तक रियल लाइफ में ट्रांसफॉर्मर्स का, मुझे लग रहा है यही मिशन है कि जो ये मूवीज़ बना रहे हैं कि हर चीज़ को मशीन के रूप में दिखाना। जैसे कि अगले कुछ पार्ट्स मुझे लग रहा है कि जो अर्थ है, जो सन है, वो भी मुझे लग रहा है कोई ट्रांसफॉर्मर मशीन ही होंगे इस हिसाब से दिखा रहे। और लग रहा है कि शायद ये जो मैंने अभी देखा, शायद जो मैं बोल रहा हूँ वो सच हो, वो ट्रांसफॉर्मर जो इन्होंने सन में बोल रहा हूँ वो सन ही हो वाकई में, या फिर कोई और प्लेनेट हो सकता है, कोई और छोटी मोटी चीज़ हो सकती है, क्योंकि सन को ट्रांसफॉर्मर में दिखाना कोई ईजी बात नहीं है। इनका बस चलो तो दिखा भी दे। लेकिन हाँ, इस मूवी में जिस तरह से दिखाया तो सन को देखना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि सन बहुत बड़ी चीज़ है और ये जो इन्होंने दिखाया है चीज़ वो कोई छोटी मोटी चीज़ है, कोई प्लेनेट वगैरह होगा जो पूरा ट्रांसफॉर्मर्स का ही होगा, ट्रांसफॉर्मर्स ने ही बनाया होगा या फिर मशीन होगी। ओके, ट्रेलर गजब का रहा, देखने लायक चीज़ है और दिखाने लायक चीज़ है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कुछ है ये दमदार चीज़। इस ट्रेलर ने वो बात बोलने में जरूर कर दिया कि हाँ ये है कुछ चीज़। सो गाइस, इसको मैं रेटिंग देना चाहूँगा 5 में से पूरे 5 रेटिंग, क्योंकि इस मूवी में जो दिखाया गया है ना वो नॉर्मल चीज़ नहीं है। एक तो होती है देखने में अच्छी लगनी कुछ अमेजिंग सा, लेकिन दूसरी चीज़ जब हम दूसरी साइड जब देखते हैं ना, जब इनको बनाया गया होगा, इसके पीछे कितनी मेहनत, कितना काम किया गया होगा,
तो तब इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा मतलब इसकी रेस्पेक्ट आती है कि हाँ ये क्या चीज़ हम देख रहे हैं, इस चीज़ की असली वैल्यू तब पता चलती है। सो गाइस मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ट्रेलर, और आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। और गाइस आपको नहीं ज़रूर बताना है आप नेक्स्ट वीडियो में किस मूवी या वेब सीरीज का ट्रेलर पर रिएक्शन या रिव्यू देखना चाहूँगा। ओके सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मूवी का ट्रेलर या रिएक्शन लेकर जल्दी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सोन।